So till now we have covered up to 1.6 as mentioned in NCERT. So this series completely belongs to NCERT guys, as you know. NCERT से बाहर मैं कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ. जो बच्चे क्लास में मुझसे पढ़ते हैं तो उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इस सीरीज को मैं सिर्फ और सिर्फ NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है. क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं उसको और इस सीरीज का कोई भी रिलेशन नहीं है गाइज. ये सीरीज कंप्लीटली और कंप्लीटली एनसीईआरटी को डेडिकेटेड है. एनसीईआरटी में जैसा लिखा है मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, ठीक है. इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत समझाने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा हूँ गाइज, ठीक है. दिस सीरीज कंप्लीटली बिलोंग्स टू एनसीईआरटी एज यू नो. तो आज अब हम पढ़ रहे हैं 1.7 पैकिंग एफिशिएंसी. क्या पढ़ रहे हैं? पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है. तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि अगर मान लो हम बात करें रूम की, तो अगर हम एक रूम में, एक रूम का खुद का वॉल्यूम है कि नहीं है, रूम का खुद का वॉल्यूम क्या है, ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है. मतलब उसकी हाइट, उसकी विड्थ एंड उसकी लेंथ, ठीक है. अगर इनको अगर मान लो मल्टीप्लाई करें तो रूम का वॉल्यूम आ जाता है कि नहीं आ जाता. इसी तरह मान लो मैंने उस रूम में पूरे फुटबॉल भर दिए, पूरे रूम में क्या भर दिए, फुटबॉल. अब फुटबॉल भरेंगे तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है. अब ये खाली स्पेस रहेगा, इसकी वजह से पूरा का पूरा 100% रूम का जो वॉल्यूम है ये फुटबॉल ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे. तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाए रूम का, उसी को कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी. सेम तरीके से हम क्या कहेंगे, एक यूनिट सेल है तो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर पाए हैं. पैकिंग एफिशिएंसी को हम एटा परसेंट कहेंगे, और एटा परसेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा गाइज, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स और एक एटम का वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम, ठीक है. और डिवाइड बाई जो यूनिट सेल है ना उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू 100 करेंगे. इनटू क्या करेंगे अपन, 100. एक एटम को हमने स्फीयर माना था. क्या माना था? स्फीयर माना था. और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³. क्या होता है? 4/3 πr³. तो हमारा एटा परसेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा अभी के बेसिस पे, जेड. जेड अब यूनिट सेल के ऊपर डिपेंड करेगा. और अपने पास तीन यूनिट सेल पॉसिबल होंगी, FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तीन टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल होंगी गाइज. उनकी ही बात होगी, क्यों होगी उसकी बात करेंगे अभी. और एक एटम का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ इंटू 100 एज इट इज, ठीक है. तो जेड तो एज इट इज है, और एक वॉल्यूम का एटम 4/3 πr³, 100 भी एज इट इज है, और डिवाइड बाई एक यूनिट का वॉल्यूम, ठीक है. अब यूनिट देखो, यूनिट सेल है ना, हमें पता है यूनिट सेल अलग अलग हो सकती है, ठीक है. लेकिन हमें इस 12th क्लास में हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम थे ना, अगर याद हो तो 7 क्रिस्टल सिस्टम की हमने ट्रिक भी बनाई थी, क्यूट मदर बनाई थी ना, अगर ट्रिक याद हो तो, ठीक है. तो क्यूट मदर ट्रिक जो बनाई थी उसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम थे, लेकिन हमें ना 12th में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना, और ब्राबियस लैटिस 14 टाइप के पॉसिबल थे, और जो क्यूबिक सिस्टम उसमें तीन ही यूनिट सेल पॉसिबल थे, बताओ कौन कौन सी, BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. इसीलिए तो देखो हम ये तीनों यूनिट सेल ले रहे हैं हर जगह पे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल से डील कर रहे हैं. किससे डील कर रहे हैं? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से. तो बताओ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A=B=C होता है कि नहीं होता, और α=β=γ=90° होता है. मतलब हम हर जगह पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 90° है तो, और A=B=C है तो बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³. अब हमें इस ए और आर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए बस, ठीक है. तो हमारा सबसे पहले काम यही होता है किसी भी यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में, इस ए और आर के बीच में रिलेशन पता करते हैं, ताकि r³ से r³ कैंसिल हो जाए, ताकि r³ से r³ क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है. तो मैं आपको अभी के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज याद करने के लिए बोलता हूँ गाइज, ठीक है. क्या याद करने के लिए बोलता हूँ मैं आपको, बोलता हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो वहां पे पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते थे. 3D स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी गाइज इस टॉपिक को समझने के लिए, और उसके लिए हमने 1.6 और 1.5 वाले टॉपिक पूरे डिटेल में डिस्कस किए हैं 3D के लिए. तो सिंपल क्यूबिक में हमें पता है कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं, और कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं, और ये इतना डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस क्या है, आर ए है. क्या है ये, ए. और जब दो पार्टिकल टच करेंगे तो एक पार्टिकल की रेडियस आर है, दूसरे की आर है, तो बताओ A=2R हो जाएगा कि नहीं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो A=2R हो जाएगा, A=2R. इसी तरह से BCC और FCC की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, BCC और FCC. FCC में जो पार्टिकल है वो
कुछ ऐसे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे, और यहाँ पे जो पार्टिकल होगा फेस के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे होंगे। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल आपस में टच कर रहे हैं, मतलब ये फेस डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं। तो हमें पता चलेगा कि जो फेस डायगोनल होता है वो रूट टू ए होता है। क्या होता है? रूट टू ए। तो रूट टू ए इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर। देखेंगे अभी पूरा डिटेल में, लेकिन अभी के लिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपको फेस सेंटर्ड क्यू एफ सी सी में याद करना है रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर, ठीक है। इसी तरह बी सी सी में आपको याद करना है, एक बढ़ा देना है यहाँ पे, रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीन पॉइंट गाइज याद होने ही होने चाहिए 100%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए इज इक्वल टू टू आर होता है, ठीक है। एफ सी सी में फेस डायगोनल रूट टू ए होगा, ठीक है। रूट टू ए इज इक्वल टू फोर आर याद करना है आपको, और बी सी सी में एक बढ़ा दो, रूट थ्री ए इज इक्वल टू फोर आर याद करना है गाइज, और कुछ भी याद नहीं करना आपको बस, ठीक है। बोलो क्लियर है? तो अब हम अगर बात करें तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। इन वॉट एवर वे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन फॉर्म्स ऑफ वॉइड। चाहे कैसी भी पैकिंग कर दो, फ्री स्पेस हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहने वाला है, ठीक है। द पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। टोटल स्पेस कितना फिल किया पार्टिकल्स ने, उसकी परसेंटेज है पैकिंग एफिशिएंसी। लेट अस कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, यहीं पे याद कर लो, जेड इंटू 4/3 πr³ × 100, ठीक है, डिवाइड बाई ए क्यूब। क्लियर है? अब ए और आर के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। बस ये है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। जेड हमें पता ही है, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ कितने होते हैं, चार होते हैं। बीसीसी में बताओ कितने होते हैं, टू होते हैं। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताओ कितना होता है, वन होता है। तो ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम और इंटू 100, और नीचे ए क्यूब, और ए और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा, फिर फाइनली वो पुट कर देंगे हम, ठीक है। बस सिंपल सा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी। दोनों ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब दोनों में जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो 74% होती है, और दोनों ही हाईएस्ट एफिशिएंसी को ऑक्यूपाई करते हैं। कौन? एचसीपी एंड सीसीपी। और सीसीपी में हमें पता है एफसीसी यूनिट सेल होती है। कौन सी यूनिट सेल होती है गाइस? एफसीसी, ठीक है। तो बोथ टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग, चाहे वो एचसीपी हो या सीसीपी हो, आर इक्वली एफिशिएंट। लेट अस कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पार्टिकल इन सीसीपी स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तो सीसीपी में बताओ कौन सी स्ट्रक्चर है? एफसीसी है। कौन सी है? एफसीसी, ठीक है। इन फिगर लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी ए। एज लेंथ को हमने ए मान लिया यूनिट सेल की, और डायगोनल को हमने बी मान लिया गाइस। क्या मान लिया? बी मान लिया। देखो ये डायग्राम है। अब हमें ए और आर के बीच में रिलेशन चाहिए इस डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि हमें पता है हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से डील कर रहे हैं। तो ये हमें पता है एज लेंथ ए होने वाली है, और इसको बोल भी दिया एज लेंथ को हम ए मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? ए, ठीक है। तो इधर भी बताओ क्या होगी? ए होगी। इधर भी क्या होगी? ए। क्या यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होगा? बिल्कुल होगा। तो अब हम देखो, ये एक बेस, एक परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो बताओ हाइपोटेन्यूज को हमने क्या मान लिया? बी। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों क्या है? ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से बी की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या हम r की टर्म्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है? r। तो एक रेडियस, ठीक है, ये दूसरा स्फीयर, ठीक है। तो ये कितनी है? r, फिर से r, तो मतलब r यहाँ पे 2r और ये r, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने? 4r। 4r इज इक्वल टू b होगा कि नहीं होगा? तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4r। तो 4r इज इक्वल टू √2a। तो बताओ a की वैल्यू r के टर्म्स में क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 2√2r आ जाएगी गाइस, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें a और r के बीच में रिलेशन लिखना है, तो ये हमें याद होना चाहिए, यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी। अब इसने एबीसी ले लिया ट्रायंगल, इसने ट्रायंगल कौन सी ले ली? एबीसी ले ली। हमने दूसरी ले ली थी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट आएगा अपने पास। इस लेंथ को क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे, ठीक है। तो बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस में बीसी स्क्वायर। बोलो क्लियर है?
ठीक है, तो ए बी सी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 2a² 2a² इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √2a, और जब a को सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू 2√2r आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने कर लिया a और r के बीच में रिलेशन, सबसे पहले यही काम करना हर बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें पता है कि FCC में कितने पार्टिकल होते हैं, चार पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो देर आर इफेक्टिवली फोर स्फीयर है ना, तो टोटल वॉल्यूम है जो यूनिट सेल का कितना, यूनिट सेल का वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यूनिट सेल का वॉल्यूम तो ए क्यूब, और ए और आर का रिलेशन पता है तो क्या हम ए क्यूब मतलब इसका क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम टोटल पार्टिकल्स का वॉल्यूम निकालें, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, और क्योंकि FCC है तो इनटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल 4 कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखो, देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 स्फीयर्स इनटू 100 और डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो 4 इनटू 4/3 πr³ इनटू 100 अपॉन में, और ए क्यूब की जगह हम आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब सब कॉन्स्टेंट वैल्यू बची है, सिर्फ और सिर्फ क्या बची है, कांस्टेंट वैल्यू बची है, कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। अब इसको सीधा याद रखना है, FCC में हमारे पास 74% वैल्यू आई, इसको सॉल्व नहीं करना, सीधा आंसर लिख देना गाइस, कभी इसको सॉल्व करने लग जाओ कितना आएगा 74%, सीधा याद रखना हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, BCC में हम समझते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी BCC स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब हमें पता है, देखो BCC में जो पार्टिकल्स होते हैं ना डायगोनली वो एक दूसरे को टच करते हैं, जो बॉडी डायगोनल होता है ना BCC में, क्योंकि एक तो बॉडी सेंटर पे पार्टिकल होगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा, और उधर नीचे 3D अगर याद हो तो समझा था अपन ने। ठीक है, तो ये तीन पार्टिकल ये टच करेंगे बॉडी डायगोनल के अलोंग। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर से देखते हैं हम, देखो ये ए है, ठीक है, ये कॉर्नर पे है, ए कॉर्नर मतलब यहाँ पे, और ये एफ है, तो ये बॉडी डायगोनल हुआ ना ए और एफ। ठीक है, और ये बॉडी सेंटर पे है, ये वाला पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है गाइस, तो तीन पार्टिकल हैं बॉडी सेंटर पे एंड दो कॉर्नर पे, और ये बॉडी डायगोनल के लॉन्ग है। बॉडी डायगोनल कौन सा है, ए एंड एफ, कौन सा है ए एंड एफ। तो ए एफ क्या हमें आर की टर्म्स में पता है, ए एफ को आर की टर्म्स में आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, मतलब ए एफ इज इक्वल टू कितना है 4r। अब ए एफ को क्या हम ए की टर्म्स में और निकाल लें, मतलब ए की टर्म्स में निकाल लें, तो ए और आर के बीच में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस यही काम करना है। तो देखो ए एफ इज इक्वल टू 4r है, तो ए एफ, और अगर हमें ये चीज पता हो क्या इस ट्रायंगल से हम ए एफ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है एज लेंथ ए है, और ये क्या है फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल अभी अभी निकाला अपन ने कितना था √2a, तो बताओ AC AF का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AF का स्क्वायर इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा रूट, ये एफ डी एफ का स्क्वायर, डी एफ का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो डी एफ का स्क्वायर, डी एफ कितना है, डी एफ तो अभी अभी निकाला, फेस फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल कितना होता है √2a। ठीक है, तो √2a का स्क्वायर और प्लस में ए डी क्या है ए स्क्वायर है, तो यहां से क्या जाएगा 2a² प्लस में ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3a² आ जाएगा गाइस, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर, तो बताओ ए एफ क्या आ जाएगा, ए एफ इज इक्वल टू आ जाएगा √3a, और ए एफ मतलब आर की टर्म्स में हमने अभी भी निकाला 4r, तो 4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, और यही हमने याद किया था, अगर याद हो तो बोलो क्लियर है, यही लिखा हुआ ट्रायंगल EFD में जाएंगे, ट्रायंगल EFD EFND, और यहां से EFD से हम क्या निकाल लेंगे B इज इक्वल टू, ये जो हमने FCC में निकाला तो था बॉडी डायगोनल वही निकाला है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2a आ जाएगी। ठीक है, और अब ट्रायंगल AFD से निकाल लेंगे, ट्रायंगल कौन सी AFND, और ए एफ डी से अभी अभी हमने निकाला, ए एफ डी से अभी निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है, तो यहां से बताओ क्या आ जाएगा √3a इज इक्वल टू 4r, √3a इज इक्वल टू 4r आ जाएगा गाइस, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चल चुका है बॉडी डायगोनल 4r के बराबर है, तो यहां से अपने पास आ चुका है √3a इज इक्वल टू 4r आ चुका है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपना कंप्लीट है, √3a इज इक्वल टू 4r, a और r के बीच का रिलेशन आ चुका है। अब हमें फॉर्मूला लगाना बस। ठीक है, मतलब फॉर्मूला क्या कहता है, एटा परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू एक पार्टिकल का नंबर ऑफ एटम्स जेड, ठीक है, इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम 4/3 πr³,
और एन टू हंड्रेड, ठीक है, और डिवाइड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब। तो जेड कितना आएगा बताओ, बीसीसी में टू होता है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब एज इट इज, ठीक है, एन टू हंड्रेड एज इट इज, ठीक है, और डिवाइड बाई ए क्यूब, ए की जगह क्या लिख देंगे, फोर आर बाई स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री का क्यूब, तो फोर आर अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री का क्यूब। अब यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो कोई भी वेरिएबल नहीं बचा, सीधा याद रखना है 68% होता है गाइस, कितना होता है बीसीसी में 68% होता है, ठीक है, यही लिखा हुआ है देखो, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई टू स्फीयर्स, तो 2 इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू हंड्रेड, और एक वॉल्यूम का, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम 4 बाई थ्री, क्योंकि ए क्यूब होता और ए की वैल्यू ये रही तो इसका क्यूब, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना 68%, सीधा याद रखना है गाइस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी समझ में आ रहा होगा। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे चलते हैं, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल सिर्फ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, तो पार्टिकल टच करेंगे कॉर्नर वाले, तो इसलिए बताओ एक जो ए है ये एज लेंथ है, ये मतलब एज लेंथ कितनी हो जाएगी, एज लेंथ कितनी हो जाएगी यूनिट सेल में, ए इज इक्वल टू, ये ए है ना, तो आर प्लस आर, तो ए इज इक्वल टू टू आर हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे। तो और भी बिल्कुल आसान है, सबसे आसान किस में, सिंपल क्यूबिक में दिख रहा अपने को, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हो जाएगा यूनिट सेल का वो कितना हो जाएगा, एट आर क्यूब, और पार्टिकल एटम कितने हैं, एक है, तो बताओ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड एटम कितना हो जाएगा, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, 4 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 52.4 आ जाएगा। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, कि सीसीपी और एचसीपी स्ट्रक्चर है ना, उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, और वो कितनी होती है, 74%। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज करो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस में, फिर कम किस में, फिर कम किस में, तो एफसीसी में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, फिर पीसीसी में, और सबसे कम एफिशिएंसी किस में है गाइस, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है, ठीक है। बोलो आगे चलें, तो अपना ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है गाइस।